हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ खेत में जाकर कैसे बिया बाल खाद पान किया जाता है, खेतों के साथ कैसे मतलब अपना जो होता है कीटनाशक क्या बोलते हैं बस में खाद ही बोलते हैं ना, खाद मल कैसे छींटते हैं ना, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मैं आज बाइक चला रहा हूँ और ये बाइक मेरे पार्टनर का ही है जो पीछे अभी बैठे हैं, और मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ क्योंकि ये बाइक बिगड़ा हुआ है, अगर पिकअप दूंगा तो यही बंद हो जाएगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से खेतों के लिए, अभी हम खेत में जा रहे हैं। देखो तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को पहुँचने में, थोड़ा करीब 5-7 मिनट लगेगा हम लोगों को जाने में। तो इतना देर में आप लोगों से मिलते हैं फिर वहाँ पहुँच के। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तब तक हम पहुँच जाएंगे। ओके। हाँ दोस्तों, देखिए हम लोग नहर की ओर से जा रहे हैं, नहर के ऊपर से बना है रोड जो किनारे से, उसी से हम जाएंगे अपने खेतों में। दोस्तों हम लोग आ गए हैं उसी नहर के अगले पुले पर, अब वहाँ से हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा नहर को और हम चलेंगे फिर अपने खेतों की ओर। उधर ही हमारा खेत, देखो मेरा दोस्त अभी चला रहा है बाइक। हाँ, वो राइडर बन गया अभी, वही देख लीजिए। आप लोगों का प्यार रहा तो बाइक भी मिल जाएगा। तो इधर है हमारा दीवार बाबा का मंदिर ये, और आ गया हम लोग अब अपने खेत के आसपास में। तो आइए देखते हैं, रुक सर, बोक रहे बाबा उसको उठा ले अपने सिर पे। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसमें क्या है, गेहूँ है ना कि खाद है? इसमें खाद है भाई, खाद है इसमें। और मैंने बाइक को जो है यहाँ पे खड़े कर दिए हैं, बाइक का नाम है यहाँ पे बाइक है, और अभी हम इस रास्ते से होते हुए जाएंगे इसके खेत में। और आपको आज एक पुल भी दिखाएंगे गांव का, देसी जुगाड़ से बनाया हुआ झोलंगे पुल, वापस आते वक्त दिखाएंगे, उसी तरफ से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं फिलहाल। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें आली पर चढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो है ये सब आप देख रहे हो ना, ये सब लहरी है ना, लहरी है, शायद आप लोग जानते होंगे, इससे लाहर, इससे दाल बनता है ना, इसका दाल बहुत टेस्टी होता है। हर अरे यार, हर हर महादेव बोल दो, हो गया। जो भी है दाल है, इसका दाल बहुत महंगा भी होता है और टेस्टी भी होता है और प्रोटीन युक्त होता है। यहाँ पे देखिए मेरे पार्टनर वाह उस तरफ चला गया, मैं भी आ जाता। अभी यहाँ पे आ चुके हैं और यही खेत है मेरे पार्टनर का, देख लीजिए जितना बड़ा है, और उस तरफ का भी दूसरा भी आधा है, पूरा है रे, ये पूरा वो पूरा है। अभी यहाँ पे खाद देखिए, अभी ये छींटेंगे ऐसे ऐसे करके, और इसके बाद वहाँ है कटन यानी कि नदी बहुत बड़ा वाला, वो आप पैर जो दिख रहा है उधर आगे, उधर ही वही है। हाँ वही है। तो पहले इस काम को निपटा करके आपसे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इस खेत में हो भी गया, मैं तब तक वीडियो एडिट करने के लिए बैठ गया, और वहाँ पे देखिए ये मेरे पार्टनर जो है ना, ये मेरा दोस्त हमेशा गाँव में ही रहा है, तो इनको सारे काम आते हैं, खेत कैसे करते हैं वगैरह वगैरह सारा चीज़ आता है। मेरे को ये सब कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैं कभी भी मैं गाँव में नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना पार्टनर, मैं कभी रहा हूँ गाँव में। हाँ, इस मेरे दोस्त को देखिए किस तरह से इसमें खाद दे रहे हैं अपने खेतों में। भाई मेरे को भी सिखा दे। हाँ चल ठीक है, कर। देखिए दोस्तों, यहाँ का अब जो काम है वो हो गया है, मैं भी एक बार ट्राई किया था लेकिन इसने सूट नहीं कर दिया, ठीक है, मस्त ट्राई किया था मैंने। और अब जाएंगे उस नदी की ओर, तो अब वहाँ पर जाके मिलते हैं आप सबसे। क्या कर रहे हो बताओ? पैर में कीचड़ लग गया भाई, यही छुरा रहा हूँ मैं भी। कीचड़ लग गया पैर में? चलो जल्द से साफ करो, फिर हमें नदी की ओर चलना है। चलो ठीक है, हो गया अभी। दोस्तों अभी हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, और अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, डर भी लग रहा है दोपहर को इस चौड़ी में, इस खेत खलिहान में। और देखिए अभी हम देखिए, आप जहाँ भी देखिए खेत है और ये जंगल है, हम लोग बचपन में यहाँ पे पिकनिक किया करते थे ना पार्टनर, उधर करते थे पिकनिक उस पार, और वो जगह जो है आइलैंड की तरह बिल्कुल है, चारों तरफ पानी है और पानी के बीच में ज़मीन है, और उस पर हम करते थे पिकनिक। आप लोगों को जब मैं फिर घर जाऊंगा ना वापस उसी शहर में, तो मेरे पास एल्बम है, सारा पिक्चर हम निकलवा के रखे हैं, तो एल्बम शेयर करेंगे आप सभी के साथ एक दिन बैठ कर आराम से, तो आप लोग को सारा चीज़ दिखाएँगे। आइए दोस्तों, हम डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब है, हम पहुँच चुके हैं। अब इसके उस पार जो है वही कटनिया है, वही नदी है जहाँ पर हम बचपन में क्या करते थे पिकनिक। तो बनिए आइए मेरे साथ, पहले इसको पार करेंगे। हियर वी आर, एंड आइए दोस्तों, आवाज़ तो नहीं जा रहा था, अब आवाज़ आएगा।
यही है वो इलाका। अभी आपको यहाँ से दिखाते हैं, बहुत ही मज़ेदार जगह है ये। अभी आपको दोपहर को कोई देखने को नहीं मिलेगा। आइए देखो तो देखिए कितने नीचे है, दिख रहा है नीचे। अभी हमें इस नदी को पार करना पड़ेगा, तो मैं फट से पार करता हूँ, आपको झट से आपको दिखाते हैं। किधर से भी चढ़ जाना, चढ़ जाना किधर से भी। बचपन का खेला धुपा भूल गया क्या? देखो कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है नज़ारा। थोड़ा रुक जाओ, हाइट दिखा देता हूँ दोस्तों लोगों को। चढ़ पाएंगे क्या? चढ़ जाएंगे भाई, कोशिश करें। ओके लेट्स सी। ओके चलो दोस्तों, अगर मैं ये हाइट पार कर गया ना चलते चलते, एक लाइक दबा देना, कोशिश कर रहा हूँ। भाई मुझे भी खींच लो ना। आजा आजा, चढ़ गया। आजा आजा, इधर से इधर से इधर से इधर से चला जा। हम लोग निकल चुके हैं अब वो स्पॉट के पास जहाँ पे हम लोग पिकनिक करते थे। तो चलिए, हमारा दोस्त आगे आगे चल रहा है अभी, देखो हम ही पीछे बचा रहे हैं उसके। और ये सारा जो है हमारा फील्ड है, उधर ही हमारा खेत खलिहान भी है। आगे भी जहाँ पे हम पिकनिक किया करते थे वहाँ पे भी हमारा वो खेत है थोड़ा सा, वो भी दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों ये ना देखिए, अब जंगल हो चुका है पूरी तरह से। हमारे ज़माने में ना, मतलब हम जब बच्चे थे, अभी भी बच्चे ही हैं, लेकिन तब ना जब ये काटा नहीं गया था नदी को, तो यहाँ पे मतलब आइलैंड की तरह था बिल्कुल। रास्ता है थोड़ा है तो मत चलो, छोड़ दो, सांप होगा यार इसमें, मेरे को डर लगता है। ये तो है। मत जाओ यार, बेकार लेने का दिन हो जाएगा। चलो इधर से दिखा देना दोस्तों को, तो हम वहीं से दिखा देंगे। चलो हमें रिस्क नहीं लेना यार, एक बीवी है और एक बच्ची का बाप हूँ। थोड़ा केयर करना बनता है। ये जंगल हो चुका है तो सॉरी, अंदर नहीं चलेंगे हम, आपको उधर से ही दिखाएंगे। इससे जाएंगे तो रिस्क है ना, सांप हो सकता है। आप लोग भी ऐसा रिस्क मत लेना, अगर गांव की हो या कोई जंगल जाते हो घूमने के लिए या पहाड़ी जाते हो घूमने के लिए, तो ऐसा रिस्क मत लेना यार। क्योंकि आप अपने ही लिए नहीं ना हो दुनिया में, आपके पीछे फैमिली होती है, आप पे कोई डिपेंड होता है यार, आपसे कुछ उम्मीदें जुड़ी होती है लोगों की, आपके चाहने वालों की। और इसीलिए मैंने नहीं किया, मैं लाइव चलता हूँ यहाँ से। आप लोग जो भी लाइव में जुड़े होंगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ने ना लाइव किया, बहुत मज़ा आया लाइव में, जो भी लोग जुड़े थे उनको पता होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं नदी के पास, ये है नहर। चल तू कूद, पहले कूद। चलो भाई, कूद गया। अबे रुक रुक, मैं भी आ रहा हूँ, रुक रुक। हाँ हाँ, बच के बीच ब्रेक कर। चलो अभी देखो, मेरा दोस्त वहां से कूदने वाला है, क्योंकि बांध जो बांधा हुआ ये थोड़ा ज्यादा आगे है, तो अभी हम लोग शॉर्टकट जा रहे हैं, तो इधर से कूदेगा मेरा पार्टनर। आराम से जाओ, गिर मत जाना। तू थपक गया कुबे। हाँ तो मैं तुमको बोला पहले ही। आप मेरे दोस्त का बारी है, आप लोग देखिए। अरे क्या फेंक रहा है यार। अच्छा तू मत फिसल देना यार, मैं तो गिरते गिरते बचा। चला जा। तू तो गया पानी में, चला गया थोड़ा पानी में, चला गया। तो पैर धोना शुभ होता है क्योंकि पानी में चला गया, दिमाग लगाता है। पूछो किसी भी दोस्त से, पूछो किसी से भी पूछो। अरे भाई पैर धोना, सबको पता है कि पैर धोना पड़ता है, लेकिन तू इसका वो क्यों निकाल रहा है जब तू गिर गया तो। बोला एक्सेप्ट कर कि हाँ मैं भाई गिर गया। दोस्तों ये जो है ना, ये कोई नदी नहीं है, ना ही कोई बड़ा नदी है, ये सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में है। और ये जो पानी आ रहा है ये किसी नदी से नहीं आ रहा, 1 किलोमीटर सिर्फ 1 किलोमीटर थोड़ा आगे से है। हाँ। इसमें पानी अपने आप अंदर से जो निकलता है ना। हाँ। उसको भवर बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, इससे निकलता है, कभी नहीं सूखता ये पानी। हाँ। और ये जो आप लोग, हाँ और ये जो आप लोग देख रहे हो ना दोस्तों, ये चारों तरफ से इस तरह से घूम कर है, तो यहाँ पे पानी घेर दिया गया था, वहाँ पे बांध था जो कि अब तोड़ दिया गया है। जब इसको बांध दिया था ना, तो ये पूरा जब जहाँ भी तो अभी नीचे है, तो हम डूबे होते इधर तक पानी, उधर उधर तक पानी था ऊपर।
पेड़ पौधे ना आधा आधा डूबा हुआ था। हाँ पूरा डूबा रहता था और ये भी पूरा डूबा रहता था और उस पर हम पिकनिक करते थे पहले, बहुत मजा आता था। और इसमें बहुत बड़े बड़े जैसे समुद्र भंवर दिखाते हैं आप दोस्तों, भंवर दिखाते हो तो अभी आपको भंवर भी दिखाएंगे, पहले एक तो कम्प्लीट तो करने दे, कुछ बता रहा हूँ अभी ठीक है। देखो तो वो यही ना, हम यहाँ पे पिकनिक करते थे और यहाँ का जो भी हम फोटो लिए हैं पहले सारे दोस्तों का, हम कितने बच्चे छोटे छोटे थे, इतना बड़ा थोड़ा बड़ा ही थे, आप लोग पहचान लोगे, तो आपको दिखाएंगे वहाँ पे जाके घर जाके, और जो बोलता हूँ मैं वो पूरा भी करूँगा। और फिलहाल भी मेरे दोस्त को दिखा भंवर, तो आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कहाँ पे है वो, देखो कहाँ पे, हाँ देखो ना निकल रहा है ना, जूम करो ना, जूम है, दिख रहा है अच्छा से दिख रहा है, ये देखो, देखिए ये फिल्टर हुआ पानी निकल रहा है, ये पानी को अगर घेर दो ना तो उसको पी सकते हैं। हाँ और इतना ना जाने इसमें कितने हैं कि बहुत ज्यादा है, तो इस तरह का है दोस्तों। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पे हमने कुछ नहीं फिट किया है, आप लोग समझ सकते हो, अपने ऑटोमेटिक निकल रहा है पानी। सच बताओ ना तो मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया है, और ये मेरा पटनरवा, इधर से पानी पी सकता है, इधर मैं घेर दूँ, वो देखो ये, और मेरा पटनरवा पानी लेके नहीं है, एक और भबरी भी दिख गया हमको। हाँ तो इधर से पानी पी सकता है मेरे दोस्त, अभी आप लोग कमेंट करिए कि पिएगा कि नहीं पिएगा, मैं बना दूंगा उधर पानी पीने वाला। तो पानी पी के भी दिखा दो ना, अरे बना देता हूँ ना पानी पीने वाला। इतना वक्त नहीं है, बाइक उधर ही छोड़ के आए हैं, कोई लेकर भाग जाएगा। चाबी तुम्हारे पास है? चाबी मेरे पास है, फिर भी आज पता है ना। तो दोस्तों मैंने बाइक को उधर ही पार्क किया है, निकलना पड़ेगा इधर से, किधर से, इधर से। ओ माय गॉड, देखिए एडवेंचर, हम एडवेंचर करने जा रहे हैं, देखिए इस पर चढ़ेंगे फिर उस पार निकलेंगे। अरे भाई मैं भी हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जा। हाँ चलो पहले तू चल के देखा, मैं पीछे पीछे आता हूँ, चल चल दौड़ दौड़। देखिए दोस्त, ओ माय गॉड, अरे यार, हाँ अरे एक मिनट एक मिनट, अरे सर ये अच्छा हुआ बच गया, खरोच नहीं, खरोच नहीं है, चल 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 तू चल, आराम से आ जा। करते करते बचा मेरा पाँव, किधर जा रहा है बार? ये ऐसा कैसे बना है, पानी से बना है ना? पहले देखिए दोस्तों यहाँ पानी से बना है, अच्छे से चल रहे, अच्छे से। रात को आओगे यहाँ पे चैलेंज करने के लिए, रात को आओगे? हाँ साथ देगा ना पार्टनर, तो सच में चलाऊंगा यार मैं। हम आ गए ऊपर, यस ऊपर आ गए, हम सब आ गए ऊपर। और आप बाइक कहाँ है हमारी? बाइक आ गया है वहाँ पे, तो सीधा बाइक के पास जाके आपको मिलते हैं। देखिए हम गिरते पड़ते गाड़ी के पास आ चुके हैं, यहीं पे हम गाड़ी रखे थे, और आपको इस फाइनल लोकेशन दिखाते हैं फिर चले जाएंगे दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो उधर ही, जो हमारा लास्ट टारगेट था वो पुल दिखाने वाला जो पुल था। तो हमारा दोस्त अभी बाइक चला रहा है विकास राज, और हम लोग अभी चल पड़े हैं उधर ही, तो जस्ट 10 सेकेंड में आ जाएगा वो, 5 सेकेंड में। ये देखिए आ गया, नहीं जाने दो, जान दो अंदर, जान दो, देखो देखो गिर जाएगा यार, नहीं गिरेगा, जाने दो ना भाई। हम आयुष सर, हाय बाबा, ओह देखो, तो हम लोग निकल भी गए आगे, आगे निकल गया भाई। हाँ देखो ये पीछे रहेगा हमारा, घुमा लो ना, पीछे कैमरा करो। फिर हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, देखिए यही था, बीच में रोके, रोक दो बीच में ही, रोक दो ना? हाँ रोक दो, रोक दो। हाँ तो देखिए कितना नीचे है वो नदी जो आपको दिखाया था आगे। हाँ। वो अभी दिखाते हैं इधर से दोस्तों, ये झुलंगे पूरे, हालांकि गांव है लेकिन थोड़ा तो विकास हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ के किसान लोगों के लिए ना ये नदी पार करने के लिए ये पुल का व्यवस्था किया गया है ना दोस्त। और यहाँ पे देखिए, और नीचे तो देखिए मतलब कितना गड्ढा है नीचे, देखिए ना कितना गड्ढा है, देखिए कितना नीचे है। और ये पूरा पानी से भरा रहता था जब बांध बंधा था, लेकिन अब डैम तो तोड़ दिया गया, पहले डैम था यहाँ पे। पहले हम दो पार्टनर चाहते ना तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे, है कि नहीं? हाँ इतना बड़ा टैंक था। हाँ तो दोस्तों, हम दोस्तों का ये पहली वीडियो, आप सब को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे पार्टनर को लाइक ज्यादा करना, अगर अच्छा लगे तो मेरे को भी पर्सनली मेरे लिए एडवांस में कमेंट भी कर देना दो चार दोस्तों, अगर अच्छा लगा हूँ मैं तो। हाँ और यही, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करना चाहेंगे, आप सबसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चाहते हो को हम दोनों कुछ नए करें, नए चैनल खोल के आए, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग सपोर्ट करोगे हमें। बाकी इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू, लव यू ऑल।